आप सुने हैं कि आप पैसे भी मांगते हैं लोगों से। जाती है कौन क्लास में पढ़ती है? क्लास मालूम नहीं मुझे। बिहार में हम बाल मजदूर को रोकते हैं। बिहार में जब कोई बच्चा वायरल होता है तब उनके पीछे लग जाते हैं। किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पक्ष का हो, हम उनकी सराहना करने लगते हैं, उनको गोद में उठाकर चांद पर बैठा देते हैं। लेकिन हम सिर्फ सोनू की बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं, हम उन बच्चों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले इस बच्चा का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दें, तभी उसके बाद बाकी बातें बताएंगे कि क्यों हम इन बच्चों का सफ़र के दौरान ट्रेन में ही वीडियो बनाना उचित समझा। बाबू आपका नाम क्या है? सोनू। सुमित आपका नाम क्या है? कलिया। आप ट्रेन में क्या कर रहे थे? अभी आपको देखे कि इधर से उधर दौड़ रहे थे, क्या कर रहे थे ट्रेन में? बहन को बुलाया गया। क्या कर रहे थे? बहन को बुलाया गया। बुलाने गए थे आप ट्रेन में? आप सुने हैं कि आप पैसे भी मांगते हैं लोगों से? नहीं, हम नहीं मांगते। नहीं मांगते हैं? ट्रेन में नहीं, स्टेशन पर। स्टेशन में मांगते हैं? अच्छा, पैसा क्यों मांगते हैं? पापा लोग पैसे नहीं देते हैं? देवल। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। स्कूल जाते हैं? कितने बजे स्कूल जाते हैं? 8 बजे। तो अभी 6:15 हो रहा है, आप ट्रेन में हैं, तो स्कूल कब जाएंगे? अभी नहीं है। नहीं जाएंगे? आप जाती हैं स्कूल? स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती हैं? कौन क्लास में पढ़ती है? क्लास मालूम नहीं मुझे। क्लास मालूम है आपको? क्लास मालूम है? हाँ। कौन क्लास में पढ़ता है? छठा में पढ़ता है। देखिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बिहार के सूबे के मुखिया के आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाला सोनू रातों रात वायरल हो जाता है। और आज के दिनों में एक बिहार में एक ही सोनू नहीं है कि सिर्फ एक सोनू, नालंदा के सोनू के बारे में बात किया जाए, सीमा के बारे में बात किया जाए, उन सभी सोनू और सीमा के बारे में बात करना उचित होता तब आप इस धरातल पर उतरते। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी आप धरातल पर उतरते, उन सबों से सर्वे करा लेते, क्योंकि आपका सर्वे भी ऊपर हवा हवाई में होता है, धरातल पे नहीं जा पाते, इसीलिए आपको ऐसे बच्चे नहीं मिल पाते हैं। ये बच्चा अभी बोल रहा है कि स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाता है, बच्चे ट्रेन में बच्चे लोगों से पैसे मांगते हैं और पैसे से अपना कुछ खाते पीते घूमते घूमते इन बच्चों को देख सकते हैं। 6 बज रहा अभी ट्रेन में है, दूसरे घर के बच्चे घर में अभी सो रहे होंगे, सोने के बाद जगे होंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे, लेकिन ये बच्चा अभी ट्रेन में घूम रहा है। अब इन बच्चों को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि बिहार कब तक बीमारू राज बना रहेगा, बिहार कब तक पीछे रहेगा। सिर्फ राजनीति होता है बिहार की उन्नति, सिर्फ पेपरों में होता है, धरातल में नहीं होता है। तो सभी लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे ऐसे बच्चों को बढ़ावा दें। कभी भी आप ट्रेन में हो, कहीं भी हो, तो उन बच्चों को पैसे मत दो, ऐसा कुछ जरूरी सामान खरीद के दे दे, बुक खरीद के दे दे, बैग खरीद के दे दे, पेन पेंसिल दे, ताकि बच्चा वह पढ़ने में उनके लिए जागरूक बन सके और अपनी पढ़ाई कर सके। पैसे देंगे तो हो सकता है बच्चे कल गुटखा खाए, सिकर खाए, जुगा खेले, ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे, क्योंकि बच्चे ट्रेन में घूम रहे हैं 6 बजे। इनके माता पिता भी कहीं होंगे। मम्मी पापा कहाँ हैं? ट्रेन में है। क्या कर रहे हैं मम्मी पापा? बैठे हुए हैं। बैठे हुए, बैठ के क्या कर रहे हैं? कहीं जा रहे हो, सफर कर रहे हो, कि वो पैसे मांगते हैं पापा, मम्मी पापा भी? हाँ, पैसे मांगते हैं। कहने का मतलब पूरा परिवार इसी वे में लगा हुआ है कि पैसे मांगना, अपना जीवन रोटी चलाना। मम्मी पापा का तो मान सकते हैं कि पैसे मांग कर किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाए, लेकिन बच्चों को क्या कसूर है? इनको सुविधा क्यों नहीं मिलती ताकि अच्छे स्कूलों में जा सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, ये भी अपने बड़े बड़े सपने देख सके। तो बिहार के उन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों का एक कारनामा बनता, अपना कर्तव्य बनता है कि उन सभी पे ध्यान दिया जाए, एक सोनू और सीमा पे नहीं ध्यान दिया जाए, तभी हमारा बिहार बीमारू राज से विकसित राज होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे सानी।